Raja, Rancho. Raja, Rancho. Raja, detective Raja here. Who? ठीक है मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ. Okay. तुझे कैसे पता चला कि मुझे छुरी चाहिए? अच्छा तो तूने सुन लिया था हा? मालिक लीजिए छुरी. तकाराम कितनी देर लगाते हो, तुमसे पहले तो रेंचो छुरी लेकर आ गया. मालिक माफ कर दीजिए. लो. रेंचो सुनो, जरा अखबार ले आना. शीतल, 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 ओहो क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा, तुम्हें बुला रहा हूँ. आज का अखबार देना. लाती शीतल भी अजीब है, अभी तक अखबार लेके नहीं आई. शीतल, शीतल, ओहो अब क्या है? मैंने तुम्हें अखबार लाने के लिए कहा था ना. रखा तो है मेरे पर. कहा है? थैंक यू रंचो, थैंक यू. नमस्ते मिस्टर सर. नमस्ते. आई एम राजा, डिटेक्टिव राजा. अरे भाई आपको कौन नहीं जानता, बैठिए ना. अरे वाह, हाँ भाई आपको भी नमस्ते. राजा साहब ये हमारा रैंचो है. रैंचो बड़ा ही प्यारा है. चाय पियेंगे? नो थैंक्स. लगता है काफी गहरा संबंध है आप दोनों में. बस कुछ ऐसा ही है राजा साहब, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो देर तक नहीं बनते, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बनते देर नहीं लगती. कई साल पहले मैं शिमला गया था, दो दिन में कुछ ऐसी दोस्ती हो गई कि ये दिल में घर कर गया, और लौटते वक्त साथ ले आए इसे. आपने सच कहा गुप्ता जी, सच्चे रिश्ते तो दिल के रिश्ते होते हैं. एनीवे आप यहां कैसे? कल रात भीखू नाम के एक टैक्सी ड्राइवर की हत्या हो गई. क्या? भीखू? भीखू की हत्या? जी हाँ,
और मैंने सुना है कि टैक्सी चलाने से पहले वो आपके यहां ड्राइवर था। जी हाँ, भीखू मेरे यहां ड्राइवर था, लेकिन उसका खून मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। वो तो बहुत सीधा आदमी था, शायद इसीलिए वो मारा गया। दरअसल गुप्ता साहब, मैं यहां इसलिए आया था कि शायद आप किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो जिसका भीखू से कोई बैर रहा हो या कोई दुश्मनी रही हो। मेरी नजर में तो ऐसा कोई आदमी नहीं है। आपके परिवार वालों में से कोई ऐसा है जो मुझे भीखू के बारे में और जानकारी दे सके? मुझे लगता तो नहीं है, क्योंकि भीखू ने हमारे यहां सिर्फ 2 महीने नौकरी की थी। आई सी। गुप्ता साहब, भीखू की टैक्सी में शराब की एक खाली बोतल मिली थी, कहीं उसे शराब पीने की? जी नहीं, भीखू को शराब की लत बिल्कुल नहीं थी, जहां तक हम उसे जानते थे। ठीक है गुप्ता साहब, मैं चलता हूं। अगर आपको भीखू के बारे में कोई भी जानकारी मिले तो मुझे फौरन इत्तला कीजिएगा। अब जब केस आपके हाथ में आ ही गया है तो मुझे यकीन है कि आप इसकी तह तक पहुंचकर सच्चाई को सामने लाएंगे। इसमें मेरा क्या कमाल है गुप्ता साहब, यह कमाल तो ऊपर वाले का है। हुआ यही है कि सदियों से झूठ ने सच से लड़ने की कोशिश की, पर देखा यही गया है कि आखिर में जीत हमेशा सच्चाई की। माय कार्ड। रेंचो कार्ड दो मुझे। अच्छा गुप्ता जी, तो मैं चलता हूं। नमस्ते, नमस्ते। आपको भी सलाम दोस्त। राजा साहब आप यहाँ? राकेश, तुम राजा साहब को जानते हो? अरे सर, राजा साहब जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव को कौन नहीं जानता। आपकी तारीफ। बहुत बड़े पेंटर हैं राकेश। बड़ी खुशी हुई मिलकर आपसे। मुझे भी सर। सी यू सर। कहो राकेश, मेरी पत्नी के जो पेंटिंग बना रहे थे जी, वो कहां तक आई? बस पूरी मैंने कहा सर। पर बात दरअसल ये है कि शीला देवी मुझे अपना वक्त नहीं दे पा रही। अच्छा। पेंचो, जाकर अपनी मालकिन से कहो कि पेंटर साहब आए हैं। क्या है, क्या है, क्या है, बोलो क्या है, क्या है बाबा, क्या है? परेशान क्यों कर रहे थे? अच्छा तो पेंटर बाबू आए हैं, साथ क्यों नहीं कहता? इतने देर तक तंग करने की क्या जरूरत थी तुम्हें? चल हट यहां से। ओहो, देखो मेरी साड़ी खराब कर दी। पता नहीं पिताजी को इस बला से क्यों प्यार है। कितनी बार तुमसे कहा इस मुसीबत को कहीं छोड़ा? बगैर किसी को बताए मैंने एक बार कोशिश भी की। माँ। हाँ बोलो बेटा। माँ तुमसे काम था। बोलो ना। मुझे शीतल को कुछ कपड़े खरीदने थे, कुछ पैसे मिल जाते तो। विकास, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि जब मुझे भी पैसों की जरूरत पड़ती है तो तुम्हारे पिताजी से ही मांगने पड़ते हैं, उन्हीं को मांगना। मुझे तुम्हारी कमजोरी पर शर्म आती है, तुम अपने पिताजी से झगड़ा क्यों कर लेते? महीने के जो 5,000 रुपए मिलते हैं ना, वो भी बंद हो जाएंगे। क्या क्या सपने लेकर आई थी मैं इस घर में, सबके सब चकनाचूर हो गए। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। हेलो, तूने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे घर पे फोन मत किया करो। गलती तुम्हारी है, जुए में जो तुम अब तक 1,50,000 रुपए हार चुके हो वो मेरे क्लब को वापस कर दो और मैं तुम्हें फोन करना बंद कर दूंगा। मैंने तुमसे पहले भी कितनी बार कहा है, आई नीड सम टाइम, तुम्हारे सारे पैसे मिल जाएंगे। भैया मैंने जितनी छूट देनी थी दे दी, अगर 7 दिन के अंदर आपने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो मुझे पैसे लेने के और भी कई तरीके आते हैं। ठीक है, जैसे भी होगा मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। देखो शिला, राकेश की यह शिकायत है कि तुम अपनी पेंटिंग के लिए उसे वक्त नहीं दे रही हो। मुझसे घंटों एक ही जगह बैठा नहीं जाता है जी,
आप मेरी एक फोटोग्राफ से अपनी पेंटिंग क्यों नहीं कंप्लीट कर लेते? दरअसल क्या है शीला देवी, कि मैं कैनवास पर सूरत के साथ साथ सीरत भी उतारता हूँ, जो एक फोटोग्राफ में पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, तो मैं आपको 2 दिन दे सकती हूँ, बस उसमें पेंटिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। जी मंजूर है। अच्छा जी, इजाजत दीजिए। नमस्ते। नमस्ते। हेलो। हाँ चाचा जी, मैं बोल रहा हूँ, अजय। जी हाँ, आपके कहने के मुताबिक मैंने अपनी फैक्ट्री से 10 ट्रक माल भेजा है। गुड, जो पेमेंट मिलेगी उसे बैंक में जमा कर देना। जी हाँ, जमा करा दूंगा। अच्छा जी, ये रखो 10,000 रुपए। और एक बात मेरी ध्यान से सुनो, अगर चाचा जी ने कभी पूछा तो सिर्फ इतना कहना कि 10 ट्रक माल के गए थे, 20 नहीं, समझे? तुम कहना क्या चाहती हो? अजय आपके भाई साहब का बेटा है, उनके गुजरने के बाद आपने उसे इतना सर पर चढ़ा के रखा है कि मुझे यकीन है एक न एक दिन वो इस खानदान की इज्जत पर कीचड़ जरूर उछालेगा। वो कैसे? सुना है आजकल वो एक ऐसी लड़की के गिरफ्त में है जो एक कैबरी डांसर की बहन है। क्या? अगर उसे आपने अभी नहीं रोका तो कभी नहीं रोक सकेंगे। खैर, मुझे जो कहना था वो तो मैंने कह दिया, आगे आपकी मर्जी। मैं जरा क्लब होके आती हूँ। विकास सुनो। जी पिताजी। ये लो, ये पैसे रेखा को पहुंचा देना। लेकिन पिताजी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो पैसे लेने से इनकार करती है। फिर भी उसे प्यार से समझाओ, अब भी नहीं माने तो उसे कहो कि एक बार वो मुझसे मिल ले। वो घर पर तो नहीं आएगी, उसे कहना कि वो मुझे ग्रीन हिल पर मिल ले। लेकिन पिताजी, देखो मैंने जैसे कहा है वैसा ही करो। लो जी। मैं ये रुपए नहीं लूंगी विकास, ये रुपए भेज के गुप्ता साहब अपने गुनाह से बचना चाहते हैं। अगर मैं उन्हें सजा दिलवा के रहूंगी, चंद रुपयों से मेरे पिताजी की जान की कीमत नहीं चुका सकते विकास। तुम खाओ खाओ उन बात को गलत समझ रही हो रेखा। तुम्हारे पिता अगर गुप्ता साहब की गाड़ी के नीचे आके मारे गए, उसमें तो एक्सीडेंट था। लेकिन गलती गुप्ता साहब की थी विकास, जो अपनी गाड़ी की रफ्तार को काबू में ना रख सके। मैं तो कहता हूँ गुप्ता साहब का बड़प्पन है, जो कसूरवार न होने पर भी तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। वो मेरी मदद करना नहीं चाहते विकास, अपने जमीन का बोझ हल्का करना चाहते हैं। तुमने उन्हें गलत समझा है। खैर, अब इसका एक ही उपाय है, तुम्हें उनसे मिल लेना चाहिए। बल्कि वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं और उन्होंने तुम्हें बुलाया है ताकि हमेशा के झगड़ा खत्म हो। वो रोज ग्रीन हिल पर 10 और 12 बजे के बीच होते हैं। मेरी दरखास्त है तुम उनसे मिल लो। लगता है इस कीमती हार से तुम्हें खुशी नहीं हुई। सोच रही हूँ कहीं हमारी प्यार की हार ना हो जाए। क्या बात है दिए, तुम इतनी सीरियस क्यों हो? मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूँ जी, मुझे कल ही इस बात का पता चला। अच्छा, तो ये बात है। देखो डियर, तुम बिल्कुल बेफिक्र हो, आज ही मैं चाचा जी से अपनी शादी की बात करता हूँ। और अगर उन्होंने हमारी शादी पर ऐतराज किया तो फिर कोई दूसरा रास्ता ढूंढते? तुम कोई दूसरा रास्ता ढूंढो या ना ढूंढो, मैं गुप्ता खानदान की बहू जरूर बनूंगी। हरगिज़ नहीं, एक कैबरे डांसर की बहन इस घर की बहू नहीं बन सकती। चाचा जी, सपने मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अगर बाप बनने का इतना ही शौक है तो छोड़ दो मेरा घर। ठीक है, जायदाद में जो मेरा हिस्सा है वो दे दीजिए, मैं चला जाता हूं। जायदाद? कैसी जायदाद? ये सारी जायदाद मेरी मेहनत और पसीने की कमाई है, इसका हकदार सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं।
मेरे जाने के बाद किसी को कोई हिस्सा नहीं मिलने वाला, ये जान लो सब के सब। मैं अपना वसीयतनामा बदल रहा हूं, अब ये सारी जायदाद मैं ट्रस्ट के नाम कर रहा हूं। तुम लोगों को अपना महीने का खर्चा मिलता रहेगा, जायदाद का कोई हिस्सा नहीं। लेकिन पिताजी मैं आपका बेटा हूं। हां जानता हूं, जुए में पैसे हारने के बाद चुकाने की बारी आती है, तो मैं तुम्हारा बाप हूं, शीतल मेरी बहू है, अजय मेरा भतीजा और शीला मेरी पत्नी। मैं पूछता हूं उस वक्त तुम लोग कहां थे जब एक्सीडेंट के बाद मैं घर वापस आया था? तुम थी अपने क्लब में, अजय सपना की बाहर में, हमारी बहू शीतल ब्यूटी पार्लर में, और हमारे बेटे साहब चूहे खाने में। अगर उस वक्त कोई घर पर था तो सिर्फ ये रेंच, अगर उस वक्त ये घर पर नहीं होता तो आज मैं जिंदा नहीं होता। तुम लोगों की रिश्तेदारी मेरी जायदाद से है, मुझसे नहीं, मगर इसकी रिश्तेदारी मेरी जायदाद से नहीं, मुझसे, सिर्फ मुझसे। तुम जुबान वालों की जुबान से आज तक मैंने प्यार का एक लफ्ज नहीं सुना, और इस बेजुबान के मुंह से मैं जानू मुझे प्यार के कितने मीठे बोल सुना है। मेरा अपना तो सिर्फ एक यही है, रेंच, मेरा रेंच। हेलो, एडवोकेट अग्रवाल प्लीज। हाँ अग्रवाल साहब, मैं बोल रहा हूं, गुप्ता। हाँ जरूर काम था, मैं अपना वसीयतनामा बदलना चाहता हूं। हाँ कुछ वैसी बात हो गई है, अब मैं इस प्रॉपर्टी का एक ट्रस्ट बनाना चाहता हूं, कल शाम तक इसके कागजात बन जाने चाहिए, ठीक है? थैंक यू, गुड नाइट। हेलो राकेश। हेलो रेखा, हाउ आर यू? ओके राकेश, मेरे पिताजी की तस्वीर तैयार है। समर की सिर्फ फिनिशिंग टचेस देने बाकी, तुम चाहो तो कल ले जा सकती हो। ब्यूटीफुल राकेश, थैंक यू सो मच। रेखा, हमने दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, जाने कितनी फॉर्मेलिटीज की। किसी दिन घर आना राकेश, और कुछ तो नहीं, चाय बड़ी अच्छी बना लेती हूँ। किसी दिन किसने देखा है रेखा? आज चले? आज नहीं, आज मुझे किसी से मिलना है। क्या कोई खास बात है? बात तो खास ही है राकेश, मगर जो तुम समझ रहे हो वो नहीं। बाय। रेंचो, गाड़ी में से मेरा मफलर लिया, जा जा।
सर, भीखू की बैग से में पाई गई शराब की बोतल पर जो उंगलियों के निशान हैं, वो भीखू के नहीं है। वो इसलिए कि वो शराब नहीं पीता था। हमें मालूम ये करना है कि ये उंगलियों के निशान किसके हैं। मोहन जी, तुम क्या बात है, क्या बात है रेंचो, क्या कहना चाहते हो बताओ। तुम गुप्ता जी के बारे में कुछ कहना चाहते हो? हाँ, क्या हुआ गुप्ता जी को? मिस्टर राजा, क्या लगता है आपको, ये एक्सीडेंट है या खुदकुशी? ना ये एक्सीडेंट है ना ये खुदकुशी, इट्स ए कोल्ड ब्लडेड मर्डर, ये एक कत्ल है।